इफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाय टू इक्वल्स टू अल्फा वेर एक्स इज माइनस वन टू प्लस वन ड्यू टू रीजन ऑफ कॉस इनवर्स, y का वैल्यू माइनस टू से टू कॉस इनवर्स y के लिए, और x और y में रिलेशन बना के दे दिया कि x की वैल्यू जो है y बाय टू से छोटी होगी, तो हमें बताना है 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है। फॉर्मूले पे जा रहा है क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स ए बी ले लेते हैं, cos इनवर्स ऑफ a माइनस cos इनवर्स ऑफ b इज cos इनवर्स ऑफ ए बी प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने ए बी पे इसलिए लिया क्योंकि यहाँ y जो है y बाय टू लिया, तो ये अप्लाई अगर करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, cos इनवर्स ऑफ x y बाय टू प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स टू अल्फा। इनवर्स वाला पार्ट इस साइड पे भेज दें तो एक्स वाई बाय टू और फोर को भी मैं रूट से बाहर खींच के अंदर मल्टीप्लीकेशन ले ले रहा हूं, वन माइनस एक्स स्क्वायर फोर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू इक्वल्स टू कॉस अल्फा। ये टू इधर ट्रांसफर करके टू कॉस अल्फा कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू कॉस अल्फा। अब आप देखिए जो हमसे पूछा गया है एक्सप्रेशन उसका कुछ हिस्सा तो यही पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा है, फोर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई के भी टर्म जनरेट हो रहे हैं, अब बाकी हम कैसे उठाएंगे तो उसके लिए आप इस एक्स वाई वाले फैक्टर को इधर ट्रांसफर करके स्क्वायरिंग कर ले ताकि रूट ए की बार में रिमूवल दे दे। तो ऐसा किया मैंने कि एक्स वाई इधर ट्रांसफर करके स्क्वायरिंग कर दी, तो फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इधर साइड पे स्क्वायरिंग करना बचा उसे ओपनिंग करते हैं, फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई कॉस अल्फा। तो देखिए एक फैक्टर तो मेरा कैंसलेशन पे गया, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो पार्टिसिपेट नहीं कर, अब मुझे इसके दिखने जैसा एक्सप्रेशन बनाना है तो मैं वो सारी चीजें इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। इधर पे हमने 4 छोड़ा, 4 रिक्वायर्ड नहीं है, माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा रिक्वायर्ड नहीं है, एलएचएस में गया, बाकी का सारा पार्ट जो है वो है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा, ये रिक्वायर्ड था जो इसके बराबर है, तो मैं सिर्फ एलएचएस पे बात कर रहा हूं। एलएचएस में से 4 कॉमन लिया आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज साइन, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा रिक्वायर्ड टर्म बनता है, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में सी वाला। यहां से किसको कहां ले जाके कैसे ट्रांसफर करके स्क्वायरिंग वगैरह करनी है उस पर डिपेंडेंसी चल रही थी, देखिए इसको एक बार।